जब से अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री बने हैं तब से हर विभाग में इसका असर देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अनिल विज फिल्म नायक की तर्ज पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का बीड़ा उठा लिया है। आज अम्बाला रेलवे स्टेशन टिकट घर के सामने ऑपरेशन प्रहार के तहत एसपी रेलवे अश्विनी शैनवी के आदेश अनुसार व जीआरपी डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल कुमार के मार्गदर्शन में नशा विरोधी व महिला सुरक्षा को और ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान की कमान एसएचओ राम बच्चन राय चीफ जीआरपी हेडक्वार्टर चेतराम बेनीवाल ने संभाली। इस मौके पर वहां पर सभी यात्रियों को कुलियों वेंडरों रेल स्टाफ आम जन को डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल कुमार ने नशा न करने के बारे में समझाया और साथ ही सभी को नशा न करने की शपथ भी दिलाई। ये अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक कि सभी नशा ना छोड़ दें। और हमारे आप सभी को कैसा लगा हमारा ये जीआरपी हरियाणा पुलिस का? आज हमने नशे के बारे में और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में रेलवे पुलिस आरपीएफ और समाज सेवी संस्था चीफ वार्डन चेतराम जी जो पहले भी हमारा रक्तदान कैंपों में और जागरूक अभियानों में काफ़ी इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, इस साझा कार्यक्रम के तहत हम सारी टीम ने आज एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और नशे के बारे में है। जैसे कि आपने पहले सुना होगा कि पहले इसको अभियान का नाम दिया जाता था, जब से गृह विभाग का जिम्मा माननीय अनिल विज जी के पास गया तो उन्होंने इसको प्रहार का नाम दिया गया है, ताकि जो नशा समाज के ऊपर हमला करता था, नशेड़ी समाज के ऊपर हमला करते थे, नशे के ऊपर क्यों न हमला कर दिया जाए। ये नशे के ऊपर प्रहार वाला जो कार्यक्रम चलाया गया है, इसके बीच में आज हम यहाँ स्टेशन पे मौजूद हैं। हमने स्टेशन के ऊपर मौजूद यात्रियों को इकट्ठा करके और महिलाओं को जो यात्री हैं सभी में आज ये कार्यक्रम अपने मोबाइल नंबर और वर्दीधारी जो हमारे ट्रेनों में पेट्रोलिंग करते हैं और स्टेशन पे मौजूद हैं, अपराध की अपराधियों की नशे की नशेड़ियों की उनको तुरंत सूचना दें और इससे बचें और इस प्रकार की एक नशा मुक्त की शपथ हम उनसे करवाई है। उन्होंने इसको बहुत अच्छा मान करके हमारे को धन्यवाद भी दिया है और सहयोग करने का भी उन्होंने पूरा हमें आज विश्वास दिया है यात्रियों ने, और वो ना नशा करेंगे और ना किसी को करने देंगे। इस प्रकार से ये कार्यक्रम हमने चलाया है, लगातार चलता रहेगा, ताकि जो नशा समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नशा हमारे समाज को हमारे देश को किस तरह से खोखला कर रहा है, तो हमारे हरियाणा के गृह मंत्री जी श्री अनिल विज जी है, उनके ऑपरेशन प्रयाग के तहत जीआरपी आरपीएफ और रेल वार्डन जो संस्था है और आमजन को साथ लेकर कि नशा किसी भी उस पर हमारे समाज को खोखला ना करे, क्योंकि नशा एक तरह से हमारे घर को ही नहीं समाज को भी तबाह कर रहा है, हमारे देश को भी तबाह कर रहा है। और एक दिन अगर युवा पीढ़ी अगर इस नशे के चुंगल से नहीं जो अलग हो पाई तो हमारे देश को एक दिन तबाही की कगार से कोई नहीं रोक सकता। तो इस पर हमारे जो अनिल विज जी हैं खास मुहिम चला रहे हैं, काफ़ी अच्छे जो निर्देश दिए हैं, और हमारा जो जीआरपी हरियाणा पुलिस का आरपीएफ पे जो साझा ऑपरेशन चल रहा है नशे के प्रति और महिला सुरक्षा के प्रति की किसी भी कीमत पे कोई भी महिला असुरक्षित नहीं रहे, सभी को सुरक्षा प्रदान करें, किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो तो पुलिस से कहाँ पे किस नंबर से जो सुरक्षा सहायता लें उसके लिए जीआरपी का टोल फ्री नंबर 1512 आरपीएफ के 182 नंबर ये लोन्स ऑलरेडी किए गए हैं। किसी भी तरह की किसी को कोई समस्या आती है तो कोई भी महिला इस पर अपनी जो सुरक्षा सहायता सहयोग ले सकती है।